डियर वीआईपी, माय डियर वीआईपी, मोस्ट टीयरफुल सोसीमाट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जाफरी टॉक्स। आई एम शबर अब्बास एंड आई एम अमार अब्बास जाफरी एंड आई एम शबर्स को होस्ट इन दिस पॉडकास्ट। आज हमारा टॉपिक जो है वो इन भाई से बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट लाता है। शब्बर बहुत ज्यादा खेलता है, मैं भी बहुत ज्यादा खेलता हूँ आजकल वीडियो गेम्स। तो मतलब शब्बर बता दे पहले क्या यार हमारा जो, जैसे आपने बताया आजकल वीडियो गेम्स है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे पर्सनल फेवरेट वीडियो गेम्स के, फिर हम बात करेंगे जो ट्रेंडिंग आजकल चल रहे हैं और लोगों के क्या पर्सनल फेवरेट्स हैं। हम ये अपने भाई से भी लेंगे व्यूज जो मेरे सामने अभी फ्लॉस कर रहे हैं और आगे हम लोग बताएंगे बता अपकमिंग गेम्स हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं और अपकमिंग गेम्स के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन सी आ रही हैं। तो यार अमार तुमसे शुरू करूंगा कि तुम्हें जो तुम्हारी पर्सनल फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट कौन सी गेम। यार ऑल टाइम फेवरेट तो मेरा ख्याल है तुम्हें पता ही होगी, रेड डेड रिडेम्पशन 2 मुझे बहुत अच्छी लगती है। पीछे वॉलपेपर भी उन्हीं का ही लगा हुआ है और एज यू कैन गेस मेरा फेवरेट प्रोटैगनिस्ट एक गेम में आर्थर मॉर्गन है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है उसके साथ। एक है भी कि मैंने पहली गेम जो स्टार्ट टू एंड तक खेली अकेले और बहुत अच्छी थी एंड आई पिक द गेम ऑफ द सेंचुरी। इट वॉज एक्चुअली अवॉर्डेड, तुम्हें पता है वो इसको अवॉर्ड किया है गेम ऑफ द सेंचुरी। हाँ तो मतलब मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा यार, ग्राफिक्स स्टोरी मतलब टॉक अबाउट इट। सबसे अच्छी बात इस गेम में क्या लगी, सबसे अच्छी क्वालिटी? यार सबसे अच्छी क्वालिटी ना ग्राफिक्स आजकल हर गेम में ही अच्छे होते हैं तो इट्स प्रीटी कमेंडेबल, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। तो मेरे उसमें पर्सपेक्टिव में मुझे इसकी स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग लगी। मतलब हर जगह से कवर किया हुआ है स्टोरी को, मतलब मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता किसी के लिए। और उसके साथ साथ ना ये इनके जो NPC बिहेवियर है वो पिछली गेम से बहुत बेहतर है। अब शबर तुम बता दो अपनी फेवरेट। आपको शायद तुम्हें भी पता ही हो कि मेरा जो है ना फेवरेट गेम वो GTA 5 है, जैसे कि ऑल टाइम फेवरेट गेम मेरी जो वो ही है GTA 5। हाँ pretty nice। GTA 5 को आप हेट नहीं कर सकते, आपको वो पसंद होगी या तो पसंद होगी या तो पसंद होगी, आप हेट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि सबसे मजे की चीज उसकी स्टोरी है। हेट करना तो आपको फील आती है ना वो गेम खेलते हुए गैंगस्टर टाइप फील, वो बहुत मजे की होती है कि आप किसी भी की गाड़ी के पकड़ो गाड़ी यार वो गाड़ी चलाना शुरू कर दो। तो और यार वो तुम्हें याद ही होगा जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्ले GTA 5। अब जैसे GTA 5 ऑनलाइन भी है जो एज अ किड भी अट्रैक्शन, हां जी हां जो एज ए किड भी अट्रैक्शन रही है, मैं तुम्हें कहने लगा था वो तुम्हें याद ही होगा जो लोगों में एज ए किड भी अट्रैक्शन रहती है, वो एक ही गेम थी मेरा ख्याल है 90s में भी अर्ली 2000s में भी, GTA, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3। सर्च किया था तो मुझे पता चला कि मोर देन 140 मिलियन पीपल सिर्फ PS4 पे आपके GTA 5 खेलते हैं। और आप सोच रहे अभी PC गेमर्स भी हैं, Xbox गेमर्स भी हैं। यार तुम्हें पता है ऑल टाइम मतलब टॉप सेलिंग गेम कौन सी रही है आज तक, और मतलब इतना सरप्राइजिंग नहीं है लेकिन कुछ हद तक मेरे लिए सरप्राइजिंग था, माइनक्राफ्ट। और आजकल वो अपने पीक पे है, वैसे जब से माइनक्राफ्ट आई है कभी नीचे नहीं हुई, यानी उसके प्लेयर्स रहे। हाँ यार उसमें भी एक तरह की यू कैन से के अगर एक तरह से आप इसको लो तो उसमें भी GTA 5 वाली क्वालिटी है कि यू कैन डू एनीथिंग, मतलब तकरीबन के ओपन वर्ल्ड है, चीजें बनाओ, मतलब यूज योर माइंड, मतलब GTA 5 में उस तरह से आप माइंड तो भी यूज कर सकते हो। जी बिल्कुल यही बात, क्रिएटिविटी मतलब बहुत अच्छी है। और मैंने माइनक्राफ्ट देखा है कि जो जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं ना और जो नहीं खेलते, जो नहीं खेलते वो माइनक्राफ्ट को समझते हैं बुरा, ऐसे क्या ये डब्बे डब्बे से बनाते हो आप करते रहते हो, और जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं, मैंने पर्सनली माइनक्राफ्ट खेली है एंड मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी, यानी मुझे इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं लगती ऑनेस्टली से, मगर इतनी भी बुरी नहीं लगी, मैंने खेली है। और आप डब्बे स्टैक कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट डब्बे, एक पूरा आप मतलब वो जब तक खेलेंगे वाकई वो सेंटिमेंट नहीं आप कर सकते एक्सपीरियंस। तो मतलब आप शबर पहली तुम्हारी तो बात होगी ना, पहली जो फर्स्ट गेम है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा GTA 5, ठीक है अंडरस्टूड। तो अपनी टॉप 3 बताओ
टॉप थ्री, फर्स्ट तो आपको पता है GTA 5, सेकंड मैं कहूंगा कि मुझे ना Red Dead Redemption 2, जैसे आपने मुझे बोला उसकी, यार वो उसकी स्टोरी और उसकी मेकिंग बहुत सर आगे दोनों रॉकस्टार की रॉकस्टार्स ऑन फायर। हाँ तो थर्ड आप बता दो फिर। अब थर्ड मैं कहूंगा मार्वल स्पाइडरमैन फॉर PS4। ओ हाँ हाँ आई एग्री आई एग्री वेरी गुड टॉप 3 में। हाँ बहुत मजा आता है उसके जो स्पेशली आपको जो फाइटिंग मूव्स में आपको मिलता है ना फ्रीडम मिलता है कि आप इतने मजे के कॉम्बोज कर सकते हो कि मजा आ जाता है खेलते हुए। हाँ तो अच्छा ये ऑफ टॉपिक है लेकिन ये मेरे पहले एक्सपीरियंस है जूम पे इतना स्मूथ मतलब ऐसे लग रहा है कि तुम सामने ही बैठे थे तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था तो काफी स्मूथ बात हो रही है तो मतलब टेक्नोलॉजी इज स्काई रॉकेटिंग राइट नाउ बहुत फिट। तो मतलब मेरी टॉप थ्री अगर मैं बताऊं तो मेरी भी तुम्हारी जैसी है टॉप टू मतलब रेड डेड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छी है जैसे कि मतलब फुल ऑफ ऑप्शंस मतलब ओपन वर्ल्ड। और थर्ड पे मैं करूंगा अनचार्टेड सीरीज को रैंक। अनचार्टेड इज अनबिलीवेबल स्टोरी के हिसाब से मतलब ग्राफिक्स आर नॉट द बेस्ट ऑब्वियसली लेकिन नॉटी डॉग ने मुझे कभी भी ना वो नहीं किया मतलब लेट डाउन नहीं किया कह सकते क्योंकि लास्ट ऑफ अस भी मास्टरपीस ही थी। और मैं इधर अगर मैं अपने एक और टॉप 5 में अगर हम चले जाएं तो मैं उसमें लॉस्ट ऑफ अस को ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मैंने ना मुझे हॉरर गेम्स ज्यादा काफी पसंद है ना तो मैंने एक मूवी भी है ना आई एम लेजेंड विल स्मिथ की आपने भी देखी होगी। ओ बहुत बहुत फिट मूवी है यार और आई'ड रिकमेंड ऑल ऑफ द पीपल वाचिंग आई एम लेजेंड। अगर आपको एपोकलिप्सिस पसंद है तो आई एम लेजेंड इज टॉप ऑफ द लाइन। पर्सनली आई एम ए फैन ऑफ एपोकलिप्टिक और मैं कहूँगा कि मुझे ना ये जॉम्बीज का कॉन्सेप्ट और ये वाली बड़ी मजे की चीजें लगती हैं इस तरह की तो मैंने कहा कि ऐसी कोई गेम होनी चाहिए जिसमें जॉम्बीज वगैरह और एपोकलिप्स के बारे में कुछ हो तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तुम लास्ट ऑफ अस खेलो और यार जब मैंने खेली लास्ट ऑफ अस फिर मैं रुका नहीं फिर मैंने गेम खत्म की और मुझे इतना मजा आया ना उसकी एंडिंग और इसका सब कुछ उसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे उसमें मैं आपको स्पॉइलर्स नहीं दूंगा एक मिडिल एज मैन होता है और एक लड़की होती है टीन लड़की बस यही इतना ही बताऊंगा आपको स्पॉइलर्स नहीं देना चाहूंगा लेकिन बहुत आला उसकी स्टोरी भी अच्छी है मेकिंग भी अच्छी है और जो वो ओपन वर्ल्ड नहीं है आप कह सकते हैं आपके वो मिशन चलते रहते हैं उसके आप रुक नहीं सकते कैंपेन टाइप। अच्छा टॉकिंग अबाउट दैट उसी में ही रहते हैं तो लास्ट ऑफ अस 1 की तुमने बात की है मैंने नोट किया तो लास्ट ऑफ अस 2 नहीं खेली। मैंने लास्ट ऑफ अस 2 थोड़ी सी खेली थी तो मुझे उसकी स्टोरी का अभी इतना आईडिया नहीं है मगर इट वाज गुड। हां पीपल से के जिस तरह मोस्ट सीक्वल्स करते हैं के 1 बेहतर सीक्वल से डू यू एग्री अभी तक। मैंने लास्ट ऑफ अस 1 खेली हुई है और मैंने लास्ट ऑफ अस 1 रीमास्टर्ड खेली हुई है मैंने जो रीमास्टर्ड थी ना वो बहुत अच्छी थी यार रिमास्टर्ड मुझे 1 से ज्यादा बेहतर लगी थी और लास्ट ऑफ अस 2 जैसे मैंने आपको बताया मैंने बहुत कम खेली तो मुझे इतना उसका कोई आईडिया नहीं। तो मतलब जाहिर बात है रीमास्टर्ड वाले में ग्राफिक्स बेहतर और मतलब इंजन चेंज हो जाता है गेम का तो दैट काउंट्स अ लॉट इन दैट मतलब मैटर्स इन दोस मैटर्स। अच्छा तो सबकी बात हो गई तो अब आते हैं मतलब एक सही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डू यू लुक फॉरवर्ड टू एनी गेम्स यानी कोई तुम्हें अपकमिंग गेम्स का कोई अपील करती है अपकमिंग में से। यस एब्सोल्युटली मैं जो अपकमिंग गेम्स में बताना चाहूंगा क्या कहते हैं रेजिडेंट इविल विलेज जो आई है न्यू जेन गेम्स में यार उसके जो जैसे मैंने आपको बताया मुझे हॉरर गेम्स वैसे ही पसंद है तो मैं रेजिडेंट इविल मैंने तो उसके कुछ ट्रेलर्स वगैरह और वो देखे थे और आई लाइक्ड इट वेरी मच। हां बिल्कुल आई नेवर गॉट द आईडिया वैसे ऑफ रेजिडेंट इविल अगर मुझे समझा दो तो। यार रेजिडेंट इविल इज बेसिकली अ हॉरर गेम और इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं ना उसकी उन सब की डिफरेंट स्टोरी है यानी आप उसकी स्टोरी को लिंक नहीं कर सकते दूसरे के साथ। हां हां बिल्कुल और उसका यही है कि आपने मूवीज देखी है रेजिडेंट इविल की? नहीं नहीं मैंने भी नहीं देखी वैसे तो
मगर मुझे इसकी गेम की मेकिंग अच्छी लगी है और आई वुड लाइक टू प्ले दैट गेम. हाँ गेम की क्या अच्छी बात है, यू आर द वन इन कंट्रोल. ठीक है तुम कर रहे हो, चॉइसेस ले रहे हो, तुम अपने हिसाब से अपनी पेस पे एंजॉय कर रहे हो गेम को. विद द मूवीज मतलब वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, मूवी चलती रहेगी, मूवी अपनी पेस पे चलेगी, मूवी के अपने कैरेक्टर्स हैं, मूवी की अपनी स्टोरी है. अच्छा, तो गेम्स आपको काफी लाइन हियर. मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि यार वर्चुअल रियलिटी गेम बननी चाहिए, वीआर गेम जो प्रॉपर. यार यार I'd say the developers have probably beat you to it क्योंकि future VR games. Yes. मतलब as you've seen PS VR आया है. अच्छा वो यार आपको पता नहीं है कि आप ज़्यादा anime नहीं देखते, एक anime है Sword Art Online. उसमें यही दिखाया गया कि लोग ना एक VR game में online login करते हैं और वो एक पूरा world है. उसमें आप पैसे, उसकी currency अपनी और उसके आप swords खरीदते हो और आपका character level up होता है और आप VR में करते हो वो सब कुछ, एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हो आप सब. हाँ मतलब एनिमे तो नहीं देखा मैंने, लेकिन बिल्कुल इसी तरह की एक स्टोरी से की एक मूवी है, उसका नाम है रेडी प्लेयर वन. वो देखी? मैंने देखी हुई है, देखी हुई यार वो बहुत अच्छी मूवी है. हाँ. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई पर्सनली. ना मुझे एनिमे मतलब इतना पसंद नहीं है. हाँ. तो मेरा स्लिम चांस है कि मैं उसको देखूंगा. आई प्रेफर टीवी शोज एंड मूवीज, मतलब मेरी प्रेफरेंस. मैं दोनों ही देखता हूं, मैं टीवी शोज देखता हूं और आई एम सॉरी टू ऑल द एनिमे फैंस एंड सच, लेकिन यार नॉट फॉर मी. आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा. हाँ तो जिनको पसंद है यार बस देखो, मैं उनको कुछ कहूंगा भी नहीं क्योंकि आई एम नॉट देयर बॉस और एनीथिंग. लेकिन नहीं, not for me, anime nahi. Not your cup of tea. No, not at all. Yes. अच्छा तो मतलब और कोई आपको, कोई भी गेम, कोई भी मल्टीमीडिया, कोई आपको एक्साइट करती है शब्बर, तो तुम्हें अगर तो बताओ. एक्साइट करने वाला तो अभी तक कोई मिला ही नहीं. अच्छा कोई चीज के ऑफ टॉपिक जा रही है. हां हां नहीं लेकिन मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि कोई एक्साइट, जिस तरह मुझे एक चीज एक्साइट करती है द थॉट ऑफ वीआर गेम्स, जिस तरह तुमने कहा. yes. और इमेजिन कि GTA 6 आए और वो VR. In VR. Yes. यार आप VR में लोगों को गोलियां मार रहे हो, आप VR में बैठना छीन रहे हो, यार वो बहुत क्रेजी हो जाएगा. तो मतलब यही होगा कि नेक्स्ट लेवल, जिस तरह रेवोल्यूशनरी आए थे गेमिंग कंसोल्स, उस तरह रेवोल्यूशनरी वीआर गेम्स आ जाएं. तो मेरा ख्याल है कि अगले फ्यूचर इज फुल ऑफ वीआर गेम्स. हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगले 50 साल में हमें पता ही है कि हम आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे तो आ नहीं सकते अब. और तो मतलब वी कैन ओनली इमेजिन कि इससे अब कितना आगे जा सकते हैं. तो इफ यू हैव एनीथिंग मोर टू टॉक अबाउट शब्बर करें, वरना हम साइन ऑफ करते हैं फिर अपने पहले एपिसोड से. वीडियो वैसे थोड़ी लंबी हो रही है तो हम लोग कर लेते हैं. हाँ चलें आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. दिस इज मी अमार जाफरी साइनिंग ऑफ विद शब्बर जाफरी. ओके अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.